गोरखपुर के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के वैलघाट ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह के दबंगई से भारतीय सैनिक के जवान परमेश्वर झा ग्राम डिरीहत काफी परेशान और सदमे में हैं। सिकरीगंज थाना में नहीं दर्ज हो रहा FIR। सिकरीगंज के थानाध्यक्ष कर रहे हैं दबंग ब्लॉक प्रमुख विनोद सिंह का समर्थन। यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार सिकरीगंज के थानाध्यक्ष होंगे, जो कि खुद अपने मुखारविंद से भारतीय सेना के जवान खुद दुख बयां कर रहा है। गोरखपुर से अजीत पांडेय की रिपोर्ट। मैं प्रवेश ओझा ग्राम डणियत का रहने वाला हूं। श्रीमान, मैं सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता हूं। श्रीमान, मैं भारतीय सेना में नौकरी करता हूं और मेरे घर पे कंबाइन मशीन है और हमारी कंबाइन मशीन ग्राम शिवपुर क्षेत्र में चल रही थी। उस हमारे वहाँ की जनता और पब्लिक उनको बुलाया था, उस हिसाब से जनता की सेवा के लिए हमारे घर से कंबाइन मशीन गई थी। तभी अचानक ब्लॉक प्रमुख बेलघाट के विनोद सिंह, जो फरनिया के रहने वाले हैं, उन्होंने अचानक गुंडा बदमाश के साथ आए, भी लगभग 2 स्कॉर्पियो और कुछ गाड़ी के साथ आए और उनके ऊपर हमला बोल दिए। हमला बोलने के बाद लाठी डंडों से मारा तथा कट्टा लहराए और जान से मारने की उनको धमकी दिया। श्रीमान जी, उनके पास कुछ पैसे भी थे और सब छीन ले गए। बोला, यहाँ अगर चलाओगे तो तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारी कंबाइन नहीं चलने दूंगा, आग लगा दूंगा। बताइए, ये कहाँ का न्याय है कि अगर कोई रोजी रोटी अपना कमाने के लिए इस तरह का अपना धंधा कर रहा, अपने परिवार को जिलाने के लिए धंधा कर रहा है, क्या विनोद सिंह जैसे गुंडे आदमी उसको चलने नहीं देंगे, उसको बागी बनाना चाहेंगे? और मैं यह चीज सरकार को बताना चाहता हूँ कि हमारे परिवार के लोग 14 नवंबर 2019 को यह घटना है, 4 दिन हो गया है, पुलिस प्रशासन इसमें कोई भी हमारी मदद नहीं करे, जो कि इसकी सूचना हमने तुरंत पुलिस को उन्होंने दी थी और हम सूचना देने के बाद पुलिस भी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई, अब 4 दिन हो गया है, मैं अपना छुट्टी लेके आया हूँ। बताइए, मेरी छुट्टी कितनी कीमती है? मैं भारतीय सेना का नौकरी करूँ कि हम अपने कमांडेंट साहब से रोज़ छुट्टी मांग के इसका मुकदमा सॉल्व करूँ? श्रीमान जी, SO महोदय ने मुझे 4 दिन से मुझे दौड़ा दौड़ा कर थका दिया है। यह मुझे बागी करने के लिए विवश कर रहे हैं और मैं जब जाता हूँ तब यह कहते हैं कि सुबह आइए, शाम को आइए, एप्लीकेशन बदलिए। और मैं चाहता हूँ श्रीमान जी अधिकारियों, इसकी जांच की जाए और इनको सख्त सख्त कार्रवाई सजा दिलाया जाए। श्रीमान जी, क्या मैं सैनिक के होने के नाते क्या अपने घर की रक्षा नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, मैं भी गुंडा बन सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं बनना चाहता हूँ। मैं प्रशासन में नौकरी करता हूँ, मैं देश की सेवा करता हूँ, मैं जनता की सेवा के लिए कंबाइन खरीदा हूँ और इसके लिए मेरा फर्ज नहीं बनता है, लेकिन विनोद सिंह जैसे आदमी ब्लॉक प्रमुख हैं, जो वह गुंडा बनने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं, मुझे व्यस्त कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ। श्रीमान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि इसको, इस मामला को जांच करा के आज इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और मैं दरोगा जी से जब लिखवाने जाता हूँ, दरोगा जी बोलते हैं कि एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दूंगा, नहीं तो अगर करोगे तो ज़्यादा परेशान करोगे तो उनके तरफ से मैं तुम्हारे खिलाफ तरह तरह के धारा लगा करके और तुमको मैं जेल में डलवा दूंगा। श्रीमान, मैं क्या ये SO महोदय हैं कि हम रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं तो हमारी क्या ये हमें जेल डालेंगे? जी, जो हिस्ट्रीशीटर है, इस देश का जो गुंडा है, उनको कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको बैठने के लिए चाय पानी पिलाते हैं, ये कभी भी हम जाते हैं तो खड़ा होने के लिए भी नहीं बोलते हैं कि बैठ जाइए। क्या मैं इतना अपराधी हूँ? मैं अपनी समस्या को लेके जा रहा हूँ, फिर भी ये बार बार हमको तंग कर रहे हैं। मैं प्रशासन से तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से, एक गुंडा राज मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए अगर जो कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे गुंडे को ब्लॉक प्रमुख नहीं होना चाहिए सर, ऐसे गुंडों को ब्लॉक प्रमुख मत बनाइए, क्योंकि यह देश के लिए घातक हैं, यह जनता के लिए घातक हैं, इसकी पूरी जनता में दहशत है, यह जनता को एकदम दबा के रख दिया है और इस क्षेत्र की जनता इससे त्राही कर रही है। मैं यह वीडियो मजबूर होकर बना रहा हूँ श्रीमान, मैं चाहता हूँ कि इस तरह की घटना दोबारा ना किसी के साथ करें और इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जितनी धारा हो सके इनके ऊपर। हमारे बच्चे जो पीड़ित हुए हैं, जिनको चोट लगी है, 4 दिन हो गया है, अभी मेडिकल नहीं हुआ है, कल वो जाएंगे कहेंगे कि मेडिकल नहीं हुआ मेरा, और मेडिकल फिर कराने के लिए जाएंगे, बोलेंगे घाव भी नहीं लगा,
ये बताइए, एक यशो महोदय 4 दिन से, और मुझे वो बोलते हैं कि अप्लीकेशन का डेट चेंज कर दीजिए। बताइए सर, मैं 14 तारीख को एक घटना हुई, आज 4th-5th दिन हो बीत गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। श्रीमान जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस तरह की घटना दोबारा ना करें और मेरे परिवार की रक्षा करें। अगर हाँ, यह सिकरी मामला थाना सिकरीगंज और गोरखपुर का क्षेत्र का है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी गांव का है। मुख्यमंत्री जी, इसको विशेष ध्यान दीजिए। अब मैं एक सैनिक होने के नाते गर्व रखता हूँ कि आप मेरी बातों को जरूर ध्यान देंगे। श्रीमान जी, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप एक न्यायिक हैं जो न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय को आप मानते हैं, तो न्याय के लिए सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि श्रीमान जी इसको न्याय दिलाइए और इन हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। और सर, इसमें आपका मदद जरूरी है, क्योंकि ये बाहुबली हैं, कहीं पे भी और किसी से भी मदद के लिए वो करते हैं। तो इसकी जांच करा के श्रीमान इनको सख्त कार्रवाई करें, ताकि हमारे परिवार के ऊपर ये आँख उठा के न देखें, और जो धंधा बिजनेस कर रहा है उनके ऊपर, किसी के ऊपर यह टैक्स, गुंडा टैक्स भी वसूलते हैं सर, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यह गुंडा टैक्स भी वसूलते हैं। इस क्षेत्र की जनता इनसे त्रा-त्रा परेशान है। आप कहीं भी जांच करा लीजिए, किसी भी गांव में पूछवा लीजिए सर। मैं हिम्मत जुटा करके, मैं एक भारतीय सेना होने के नाते मैं देश के लिए सर लड़ता हूँ, तो अपने परिवार के लिए सर मेरा थोड़ा भी हक है कि मैं अपने घर के लिए भी लड़ सकता हूँ, आपसे अवगत करा सकता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि श्रीमान जी इसको क्या करें, और विनम्र निवेदन करता हूँ अधिकारी महोदय से, कप्तान महोदय से, हमारे CO महोदय से, और SO साहब से भी निवेदन करता हूँ सर, ऐसे मत दौड़ाइए, और सही को सही कहिए, झूठ को झूठ कहिए। मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच करके FIR दर्ज हो, कानून हो, जो कानून के अंतर्गत आए उसको सजा दें। धन्यवाद श्रीमान जी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।